नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बात। हम 11 बजे की खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। दरअसल रांची के लव जिहाद मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। रंजीत उर्फ रकीबुल ने रांची पुलिस की पूछताछ में कबूला है कि उसने 2007 में इस्लाम कबूल कर लिया था। आपको बता दें कि इससे पहले वो ये बात नकारता आया था। रंजीत ने खुलासा किया है अब कि वो दिल्ली से अपनी मां के साथ विदेश भागने की फिराक में था। रंजीत उर्फ रकीबुल ने यह माना है कि 2007 में उसने इस्लाम कबूल किया था और दोपहर 1 बजे रांची सेशन कोर्ट में आज उसकी पेशी होनी है, लेकिन उससे पहले यह अहम खुलासा कि वो विदेश भागने की फिराक में था। पूछताछ में रकीबुल उर्फ रंजीत ने यह बात कबूली कि 2007 में उसने इस्लाम कबूल किया था। इससे पहले आपको बता दें कि रंजीत पर इल्जाम लगा है कि उसने अपनी पत्नी को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए दबाव डाला था। उसने ये कहा था कि वो हिंदू है और ये कहकर उसने शादी रचाई थी। उसके बाद उसकी पत्नी जो कि शूटर है, उसे ये मालूम चला कि दरअसल रंजीत उर्फ रकीबुल मुस्लिम है और उसने साथ ही अपनी पत्नी को भी इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए काफी ज्यादा दबाव डाला। और अब आरोपी रकीबुल पुलिस हिरासत में है और वहां पर पूछताछ में उसने ये बात कबूली कि 2007 में उसने इस्लाम कबूल किया था। आज 1 बजे सेशन कोर्ट में, रांची के सेशन कोर्ट में पेशी होनी है। इससे पहले यह अहम खुलासा रकीबुल की ओर से किया गया है कि उसने इस्लाम धर्म कबूल किया था, लेकिन हिंदू बताकर उसने अपनी पत्नी के साथ एक तरह से धोखा किया और उसके बाद पत्नी पर दबाव डाला कि वो भी इस्लाम धर्म कबूल कर ले। हालांकि इस पूरे मामले में आपको बता दें कि रकीबुल उर्फ रंजीत के पिता हिंदू हैं और रकीबुल की मां हालांकि इस्लाम धर्म की थी शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया था। उसके बाद जब पिता का देहांत हुआ तब उनकी मां का ये कहना है कि वो कुरान पढ़ने लगी और ये तमाम बातें उनकी परिवार की ओर से अपनी सफाई में कही गई, लेकिन रकीबुल की तरफ से बार बार ये कहा गया कि वो हिंदू है और इस्लाम से उसका कोई नाता नहीं। लेकिन अब ये अहम खुलासा और 5 मोबाइल इसके पास से पाए गए हैं। इनसे पुलिस की एक टीम पूरा पूछताछ कर रही है उस घटना के बारे में जो इनकी पत्नी श्रीमती तारा शाहदेव ने केस दर्ज कराया है उसके बारे में और अन्य चीज़ों के बारे में। इनके पास से जो अरेस्ट किया गया तो इनके पास से टोटल 6 मोबाइल सेट बरामद हुए हैं और इसके अलावा 45,580 रुपीज़ बरामद हुआ है। 6 मोबाइल और 45,580 रुपये बरामद हुए हैं। बाकी इनसे पूछताछ चल रही है कि किस तरीके से ये घटना हुई, शादी के बाद क्या विवाद हुआ जिसके कारण से इस तरह का प्रताड़ना का केस हुआ है, और इनका पक्ष जब पूरी पूछताछ के बाद ही बताना ये संभव। तो पुलिस भी ये कह रही है कि पूछताछ में रकीबुल उर्फ रंजीत ने कबूल कर लिया है कि उसने इस्लाम धर्म 2007 यानी कि अब से करीब 7 साल पहले ही कबूल कर लिया था, लेकिन 6 मोबाइल जो रंजीत के पास से मिले हैं वो कई और अहम सबूत और सुराग पुलिस को दे सकते हैं। हालांकि पुलिस अभी भी पूछताछ में लगी हुई है। रकीबुल उर्फ रंजीत से कई जानकारियां अब पुलिस हासिल करने की कोशिश कर रही है, किस तरह से जो शादी हुई आखिरकार उसके बाद क्या कुछ ऐसा हुआ, किस तरह से उसने शूटर बीवी को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी जिसके बाद पुलिस में केस दर्ज कराया गया, रकीबुल की गिरफ्तारी हुई और बार बार वो यही कहता रहा कि उसने कभी भी अपनी बीवी को इस्लाम धर्म कबूलने की बात नहीं कही। हालांकि अब वो ये मान रहा है कि 2007 में उसने इस्लाम कबूल किया था, लेकिन पत्नी से जुड़ी कोई भी बात अभी ना तो पुलिस की ओर से कही गई है और ना ही पुलिस ने ये जानकारी दी है कि रकीबुल ने इस मामले में क्या कुछ अभी तक कहा है। ये जरूर माना है रकीबुल ने कि वो अपनी माँ के साथ विदेश भागने की फिराक में था और दिल्ली से उसे भागना था। ये तमाम बातें अब रकीबुल की तरफ से कही गई हैं। छह
6 मोबाइल बरामद किए गए हैं रकीबुल उर्फ रंजीत के पास से, और इन्हीं सब से तमाम जानकारियां और सबूत जुटाने की कोशिश अब की जा रही है। उसके अलावा उसके पास से कई सिम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अब आरोपी के सभी मोबाइल कॉल्स और सिम कार्ड की डिटेल्स की जांच कर रही है कि आखिरकार कौन कौन वो लोग हैं, कौन कौन से वो शख्स हैं जिनके संपर्क में रकीबुल उर्फ रंजीत था और किस तरह से वो विदेश भागने की प्लानिंग कर रहा था। चलिए अब अगली खबर का रुख करेंगे। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के बेटे कार्तिक गौड़ा पर संगीन आरोप लगे हैं और रेप का केस दर्ज किया गया है। आरोप एक कन्नड़ फिल्मों की अभिनेत्री ने लगाया है और यह कहा है कि कार्तिक गौड़ा ने उससे 5 जून को शादी की है, लेकिन कार्तिक का परिवार उसे बहू मानने से इनकार कर रहा है। हीरोइन ने कार्तिक पर शादी करके धोखा देने का आरोप लगाया है। कार्तिक के खिलाफ बेंगलुरु में धारा 376, 366 और 420 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। हालांकि कार्तिक ने आरोपों से साफ तौर पर इनकार किया है। उसका कहना है कि ये सभी बातें इसलिए कही जा रही हैं ताकि उसके पिता की छवि धूमिल हो, पिता की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके और उसका कन्नड़ अभिनेत्री से कोई लेना देना ही नहीं है। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा और उनके बेटे कार्तिक गौड़ा। कार्तिक की सगाई पर हुए हाई प्रोफाइल जश्न का रंग कमजोर भी ना पड़ा था कि रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के बेटे कार्तिक गौड़ा को बड़ी मुसीबत ने घेर लिया। इधर सगाई हुई और उधर कन्नड़ फिल्म की एक अभिनेत्री ने आरोप लगाया कि कार्तिक गौड़ा से उसकी शादी हो चुकी है। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के बेटे कार्तिक ने उसे धोखा देकर दूसरी लड़की को सगाई की अंगूठी पहनाई है। मामला काफी हाई प्रोफाइल था, लेकिन बैंगलोर के आरके नगर की पुलिस ने देर नहीं की। आरके नगर पुलिस ने कन्नड़ फिल्म की अभिनेत्री की शिकायत पर रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के बेटे कार्तिक गौड़ा के खिलाफ रेप का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कार्तिक के खिलाफ रेप की धारा 376 के अलावा धारा 420 और धारा 406 के तहत भी मामला दर्ज किया है। ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಈಗ ಪೊಲೀಸರು ಎಫ್ಐಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮೂನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಏನ್ ನಡೆದಿದೆ ಘಟನೆಗಳು ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮೀಡಿಯಾದವರಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನೀವೇನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಯ್ತು, ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಭೇಟಿ ಜೊತೆಗೆ ನೀಡಿದ್ರು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಇವ್ರನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಚೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಲೇಕಿನ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಗೌಡನೆ ಇಲ್ಜಾಮಕ್ಕೆ ಗಲತ್ ಬತಾಯಾ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕಾ ಕಹನಾ ಹೈ ಕಿ ಉಸೆ ಫಸಾಯಾ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ. ನಾನು ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನ ಸೇವೆ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಆಫೀಸ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆಫೀಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೆರಿಗೆ ಏನು ಇದೇನು ಮೊದಲು ಆಗಿಲ್ಲಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಂತಿದ್ದೆ, ನಾನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಸರು ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೆಳಗಿಡ ಮಗನ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. सगाई के तुरंत बाद रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के बेटे कार्तिक गौड़ा को विवादों में घसीटने वाली अभिनेत्री का दावा है कि कार्तिक से उनकी मुलाकात इसी साल मई में हुई, दोनों करीब आए और चुपचाप शादी करने की भी ठान ली। अभिनेत्री के मुताबिक दोनों परिवारों को भी रिश्ते की जानकारी है। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जाँच में जुट गई है। जाँच के बाद ही सच सामने आएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। रोहिणी स्वामी, बैंगलोर आज तक। तो कन्नड़ अभिनेत्री का यह कहना है कि मई में उसकी मुलाकात कार्तिक गौड़ा से हुई थी, 5 जून को उनकी शादी कार्तिक गौड़ा के निवास स्थान पर हुई जहां पर उस वक्त कोई मौजूद नहीं था सिर्फ नौकर के अलावा। और कुछ क्या कहा उसने, सुनिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेट बिकॉज वी इन माई फैमिली दे वॉज लुकिंग फॉर अ ग्रूम फॉर माई मैरिज, सो फॉर दैट रीजन आई एक्चुअली मेट कार्तिक. So he promised me that he will going to get married to me and all that, and he got married to me on 5th June 2014 in his Mangalore house. Who was there? His mother was there? His mother was not there in Mangalore house. We both were there and driver was there. Miss, what do you want now? What do you want now? I want his family to take me as their daughter-in-law.